और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम सैलरी रिपोर्ट का पार्ट टू देखेंगे। प्रीवियस लेसन में हमने सैलरी रिपोर्ट को चाइल्ड अलाउंस तक देखा था और चाइल्ड अलाउंस तक हमने सैलरी रिपोर्ट को क्रिएट किया था। आज के लेसन में उससे आगे कुछ चीजें और ऐड करना सीखेंगे और फिर कंप्लीट एक सैलरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके लिए मैं एक्सेल ओपन करता हूं और चाइल्ड अलाउंस के बाद यहां पे और जो आप अलाउंसेज अगर और भी ऐड करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप ऐड करता हूँ ग्रॉस के बाद मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ टैक्स के बाद फाइन के बाद जीबी फंड और फिर इसके बाद मैं यहां पे ऐड करता हूं सैलरी। ओके, साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूं। तो ग्रॉस पे क्या होता है कि ग्रॉस पे आपका आपकी जो बेसिक पे होती है, बेसिक पे और जितने भी अलाउंसेस होते हैं इन सब के एडिशन को ग्रॉस पे कहते हैं। मीन जब भी आप बेसिक पे और जितने भी अलाउंसेज होते हैं इन सब का आप सम लेते हो तो उसको आप ग्रॉस पे कहते हो। टैक्स, फाइन एंड जीबी फंड ये आपके जो बेसिक पे होती है उसमें से ही माइनस हो रहे होते हैं। माइनस ऐसे होते हैं कि टैक्स जो है तो वहां पे अगर आपके पे पे कोई टैक्स लगता है तो वो आपने पे करना होता है। फाइन मीन कॉलेज फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें आप पर डे सैलरी ले रहे हो तो आपको फॉर एग्जाम्पल आपको जो है तो दो छुट्टियां लगाओ इसके बाद आप जितनी भी छुट्टियां करते हो तो उसमें जो है तो आपकी सैलरी में से जो है तो काटे जाते हैं, आपकी सैलरी में से कुछ जो है तो पैसे काटे जाते हैं, उसके लिए फाइन यूज होते हैं। और जीपी फंड जो होता है ये बेसिकली ये जो सेमी गवर्नमेंट इदारे होते हैं वो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वो क्या करते हैं कि वो आपकी जो सैलरी होती है मीन बेसिक पे जो होती है बेसिक पे में से कुछ जेपी फंड वो आपके नाम का एक अकाउंट बना लेते हैं, वहां पे वो ट्रांसफर करते रहते हैं और उसकी कुछ लिमिट होती है। मीन वो आप 10 साल के बाद, 20 साल के बाद या फिर रिटायरमेंट के बाद आप उसे निकलवा सकते हो, तो वो जेपी फंड होता है और उसके बाद आपका सैलरी आ जाती है। तो ग्रॉस पे का जो फॉर्मूला होगा वो इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट बेसिक पे से लेकर चाइल्ड अलाउंस तक आप इसको सम करते हो तो आपके पास ये ग्रॉस पे बन जाते हैं। मेन टोटल आपके पास 70,000 थी और इतनी ज्यादा अलाउंसेस वगैरह लग के आपके पास 83,000 आपकी सैलरी बन गई। और इसके बाद टैक्स है, टैक्स बेसिकली आपकी बेसिक पे में से माइनस हो रहा था तो आप टैक्स का फॉर्मूला भी अपने वही लेना है, इक्वल टू D3 आपकी बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 2%। क्या हो गया जी आपका टैक्स कट गया। ओके, इक्वल टू D3 मल्टीप्लाई बाय 5%। क्या आपका जी फाइन यहां पे माइनस हो गया और जेपी फंड का फॉर्मूला यही है, इक्वल टू D3 मल्टीप्लाई बाय 5% जेपी फंड। ओके, अभी जो टैक्स, फाइन एंड जीबी फंड होते हैं ये आपकी सैलरी में से माइनस होते हैं, मेन ये ग्रॉस पे से क्या होते हैं माइनस होते रहते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि सैलरी के लिए इक्वल टू अब ग्रॉस पे आपके पास है I3 में, I3 रो है, I3 माइनस सम ब्रैकेट को स्टार्ट करें और टैक्स, फाइन एंड जीबी फंड को सिलेक्ट करता हूं, ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर करता हूं तो इसकी सैलरी निकल आई है। तो इसकी टोटल सैलरी इतनी बन जाती है। अब ग्रॉस पे को यहां से सिलेक्ट करके इस पे डबल क्लिक करें, ग्रॉस पे आ गया, टैक्स पे डबल क्लिक करें, टैक्स आ गया, फाइन डबल क्लिक करें,
फाइन यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। जीपी फाइन डबल क्लिक करें, सैलरी डबल क्लिक करें। ओके, तो एक कंप्लीट आपके पास एक सैलरी रिपोर्ट बन चुकी है। इस बार यहां से इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहां तक रेंज बनाता हूँ और इसको मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर लेता हूँ। और हाईलाइट जो कलर है इसको फिलहाल मैं यहां से नो कलर देता हूँ। सारी के सारी को सिलेक्ट करके आप यहां से नो कलर दें और इसको ओनली सिलेक्ट करके तो इसके अंदर आपने कलर दे देना है, तो हाईलाइट में जाए इसको सिर्फ कलर दे दें। तो ये आपके पास ये क्या बन गया जी, सैलरी रिपोर्ट। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ आया होगा। आप नेक्स्ट लेसन में हम इनजेड मेन्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।